अर्णब गोस्वामी के इलीगल तरीके से अरेस्ट करने के चलते अब उनके लिए प्रोटेस्ट किया जाएगा। कल अर्णब गोस्वामी के लिए एक हंगर स्ट्राइक रखी जा रही है। इस हंगर स्ट्राइक की जानकारी दी बीजेपी मिनिस्टर राम कदम ने। राम कदम ने बताया कि कल मुंबई में मंत्रालय के बाहर अर्णब गोस्वामी को इलीगल तरीके से अरेस्ट करने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाएगा। मंत्रालय के बाहर एक बड़ी तादाद में भूख हड़ताल रखी जाएगी। राम कदम ने कहा है कि मुंबई पुलिस जल्द से जल्द अर्णब के खिलाफ जितने भी केसेस है वो विड्रॉ करे। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को माफी मांगनी चाहिए अर्णब गोस्वामी और उनकी फैमिली से जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ है और जिन ऑफिसर्स ने उनके घर में घुसकर उनके साथ हाथापाई की, उन्हें पीटा, उन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जाए जल्द से जल्द। मीडिया, प्रेस हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, उसको रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है और इसके लिए अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है अर्णब गोस्वामी से माफी मांगे। राम कदम ने आज महाराष्ट्र के गवर्नर से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की भूमि पर इस तरह की ज्यादती जरा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राम कदम ने यह भी कहा कि अर्णब गोस्वामी का जो अरेस्ट था ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया, साथ ही पुलिस ऑफिसर्स को कुछ गिने चुने पॉलिटिशियंस जो है वो डायरेक्ट कर रहे थे अर्णब गोस्वामी के साथ ऐसा करने के लिए। इससे पहले एमएलए राम कदम उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख को भी लेटर लिख चुके हैं और कार्रवाई की मांग कर चुके हैं कि जो लोग अर्णब के घर पर गए थे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र सरकार से कोई जवाब ही नहीं मिला। राम कदम का कहना है कि जिस तरह से AK-47 हाथ में लेकर पुलिस ऑफिशियल्स अर्णब गोस्वामी के घर में घुसे वो देख के ऐसा लगता है जैसे उस घर में सीनियर जर्नलिस्ट नहीं बल्कि कोई आतंकवादी रहता हो। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कई दिनों से सब वाकिफ है कि किस तरह से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस अर्णब गोस्वामी और उनकी पूरी टीम को ट्रीट कर रही है और अब जो हरकत की है वो तो बहुत ही निंदनीय है। आपको बता दें कि पूरे देश से अर्णब गोस्वामी को सपोर्ट मिल रहा है, वहीं कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो मुंबई पुलिस के सपोर्ट में हैं और कहा वेल डन मुंबई पुलिस।